साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूं, एक दिन का ये प्रयोग है और इस प्रयोग को कहा जाता है कि कभी भी ये प्रयोग निष्फल नहीं होता है। आप जिस भी कार्य को लेकर के इस प्रयोग को करते हैं 100% आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। वैसे तो इस प्रयोग को धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए विशेष माना गया है, लेकिन किसी भी जैसे जरूरी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो भूमि भवन संबंधित है, प्रॉपर्टी संबंधित है, तो एक दिन का ये प्रयोग आप करें। तीन बाती का प्रयोग एक खास मंत्र के द्वारा किया जाता है। 10-15 मिनट का ये प्रयोग है, आपको निश्चित रूप से सफलता देगा क्योंकि इसमें बीज मंत्र का प्रयोग किया गया है और बीज मंत्र कभी निष्फल नहीं होते हैं। बीज मंत्र में बहुत पावर होती है और इसमें तीन देवियों के एक साथ मंत्र हैं, तीन देवियों के बीज मंत्र एक साथ कहे गए हैं और तीन बाती का आपको दिया जाकर जला करके ये प्रयोग करना है। जब दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो इंसान को लगता है ये प्रयोग कर लें, वो प्रयोग कर लें, लेकिन कहीं से कोई ऐसा समझ में नहीं आता है कि कौन सी रेमेडी करें जिससे कि 100% सफलता प्राप्त हो। तो आज की जो मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं इसमें निष्फल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई बहुत बढ़िया से धन संबंधित आर्थिक संकट चल रहे हैं तो इसको पूर्णिमा के दिन में या शुक्रवार के दिन में या किसी पावन नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को आप कंटिन्यू अगर कर लेते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको लाभ होगा। अगर आपने 6 शुक्रवार या 7 शुक्रवार या फिर पूर्णिमा के पूर्णिमा कर रहे हैं तो हर पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को करें। ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉजिटिविटी को लाता है, नकारात्मक चीजों को दूर करता है और धन को खींचने का काम करता है। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आत्मबल आएगा, शक्ति आएगी और साथ में धन आएगा क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, यानी कि महाकाली जो हो गई शक्ति प्रदान करेंगी, महासरस्वती बुद्धि प्रदान करेंगी और महालक्ष्मी धन प्रदान करेंगी, है ना। बहुत ही खास प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक माता लक्ष्मी की फोटो की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसमें नियम ये रहेगा कि माता लक्ष्मी की जो फोटो होगी वो कमल के आसन में विराजमान होंगी, लाल साड़ी में होंगी, हरा ब्लाउज होगा और 2 हाथी गज उनका जल से अभिषेक कर रहे होंगे। ऐसी आपको एक फोटो लेनी है अपने घर के पूजा स्थान में, एक लाल कपड़े में माता रानी की फोटो को आपको स्थापित कर देना है। मिट्टी का दिया लेंगे ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो पीतल या तांबा भी ले सकते हैं, अगर मिट्टी हो तो सबसे पवित्र मानी गई है। मिट्टी के दिए में करेंगे ज्यादा अच्छा प्रयोग होगा, ज्यादा अच्छा को सफलता मिलेगी, ठीक है। और इस प्रयोग को करेंगे तो उस दिन आपको नॉनवेज नहीं लेना है, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करना है। कोई स्टोन वगैरह पहना हो तो उसको आपको उतार देना है, इन चीजों का आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। महिलाएं, वृद्ध पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। महिलाएं कर रही हैं, अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान देंगे, ठीक है। किसी भी शुक्रवार के दिन में सूरज ढलने के बाद में संध्या समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, यदि काफी उपाय कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं क्योंकि बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक उस प्लैनेट को आप बैलेंस नहीं करेंगे कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी, जब तक उस प्लैनेट को आप बैलेंस नहीं करेंगे। तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं, ठीक है। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कन्फर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ नजर आएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रयोग को करने के लिए मिट्टी का दिया आप ले लेंगे, माता रानी की फोटो को स्थापित करेंगे, शुद्ध गंगा जल से थोड़ा सा साफ, मतलब कि माता रानी की फोटो को स्वच्छ कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, तीन बाती का दिया जलाएंगे, तीन बाती रहेंगे और उसका दिए का मुख जो रहेगा
माता लक्ष्मी की फोटो के सामने रहेगा। दिए का मुख माता रानी की फोटो के सामने। एक गुलाब का आपको फूल रखना है, माता रानी को समर्पित कर दें। कोई भी दूध से बनी हुई, चाहे तो खीर ले लें या दूध से बनी हुई मिठाई, माता रानी को भोग लगाएं। एक इलायची रख दें सामने, गुलाब की अगरबत्ती लगा लें और गुलाब का इत्र माता रानी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें, ठीक है। उसके बाद में आपको शुक्री मुद्रा लगानी है। इस तरीके से दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लेंगे, आंखें बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को थोड़ा अंदर खींचेंगे, जहां सांस की लिमिट खत्म होती है थोड़ा सांस को रोक करके सांस को बाहर छोड़ देंगे। 11 बार ये प्राणायाम करेंगे, इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, आंतरिक ऊर्जा आपकी एक्टिवेट होंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको लक्ष्मी मुद्रा लगानी है, इस तरीके से अंगूठों को बांध करके और यहाँ इस तरीके से, ठीक है। सीने में हाथ रखेंगे और आपको कम से कम 15 मिनट तक एक मंत्र का आपको जाप करना है। आयं श्रीं क्लीं, आयं श्रीं क्लीं। मंत्र को फिर से सुनिए, अच्छे से सुनिएगा और मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना है आपको। आयं श्रीं क्लीं, क्लीं नहीं दोस्तों, क्रीम, ठीक है। आयं जो है माता सरस्वती का बीज मंत्र है, आयं और उसके बाद में श्रीम माता, आयं जो है माता सरस्वती का बीज मंत्र है, श्रीम जो है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्रीम जो है माता काली का बीज मंत्र है। तो आयं श्रीम क्रीम, आयं श्रीम क्रीम, आयं श्रीम क्रीम। इस तरीके से 10 मिनट या 15 मिनट तक आपको मंत्र का जाप करना है। ये प्रयोग दोस्तों आपका यदि किसी भी प्रकार की भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, आपका व्यापार बिजनेस है उसमें वृद्धि होगी, अगर आपके पास में रोजगार नहीं है तो आपकी जितनी आपकी योग्यता है उससे कहीं ज्यादा जो होगी इनकम के हिसाब से आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। यदि आपका व्यापार बिजनेस नहीं है और आप चाहते हैं व्यापार बिजनेस बन जाए तो उसकी प्राप्ति होगी, है ना। और किसी भी विशेष काम के लिए आप जाएं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम आपका होता है कि नहीं होता, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी शुभ काम शुरू कर रहे हैं, तो एक दिन का ये प्रयोग करने के बाद उस काम को यदि शुरुआत करते हैं तो 100% आपको उसमें सफलता मिलती है। यदि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो आप 7 शुक्रवार इस प्रयोग को कर लें या पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को कर लें, ठीक है। अब आप यदि आर्थिक कष्ट बहुत ज्यादा है, पैसों का आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, धन आता है रुकता नहीं है टिकता नहीं है, तो उसके लिए इस प्रयोग को शुक्रवार को कर लें। धन संबंधित सारी परेशानी को दूर करने के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही खास प्रयोग है, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको 100% उसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जानकारी काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दया विक्रप आपको प्राप्त होगी, साथ में यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। लाइक करने के लिए मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से दोस्तों इसलिए करता हूँ कि देखिए जानकारी को ढूंढ कर लाने में, एपिसोड बना करके आप लोगों तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप लोगों को ऐसी जानकारी की जरूरत होती है तो मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जब वो इस जानकारी को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड करता है, और जब आप लोग भी लाइक करेंगे तो और लोगों को जिनको जानकारी की जरूरत है तो यूट्यूब उन लोगों तक रिकमेंड कर देगा, तो आपका एक छोटा सा लाइक और लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है, तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों तक जानकारी पहुंच रही है, और इसको आगे पहुंचाने के लिए छोटा सा लाइक कर दें, और जितना हो सके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक शेयर करें। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, है ना, लेकिन घर बैठे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि देखिए राहु की वजह से 95% तक लाइफ में प्रॉब्लम आती है अगर बर्थ चार्ट में राहु अनबैलेंस है। हमारे द्वारा शावर मंत्रों के द्वारा राहु की एक विशेष पूजा की जाती है। शावर मंत्र जो होते हैं नाथपंथियों द्वारा प्राप्त होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो आपका नाम, माता पिता का नाम, दादाजी का नाम, फोटो, संकल्प के द्वारा 18 दिन में आपके बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है, जिससे अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलता सब कुछ मिलना शुरू हो जाती है। अगर इस विशेष पूजा को बुकिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, और मेरे से किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।